है, लोगों के समस्याएं क्या है, ये कभी उन्होंने नहीं पूछा। और शायद बघेल साहब यहाँ पे हैं, सिंहदेव जी बैठे हैं, कभी आपको बुला अपने टेबल पे घंटों से कब बात किया, कोई चर्चा की? तो जिस आदमी के पास डेमोक्रेटिक तरीके से बात करने की एक हिम्मत नहीं होती, वो देश को कैसे संभालेंगे, देश को कैसे संभालेंगे? बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और यहां तक कि अच्छा करने के बजाय चीफ मिनिस्टर सरकारों को धमकी देते हैं, मेरी बात सुनो, अगर नहीं सुनेंगे तो मैं आपके पीछे ईडी लगूंगा, मेरी बात सुनो, अगर आप नहीं सुनेंगे इनकम टैक्स लगाऊंगा। इस ढंग से उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस सबको, सब पुलिस ऑफिसर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भाई, देश को ईडी और सीबीआई, इनसे अगर सरकार चलाना है तो फिर आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं। और मैं बैठिए बस इतना क्यों घूम रहे हो, फिर हर जगह जा रहे हैं, तेलंगाना जा रहे हैं कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, राजस्थान जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, मेघालय जाते हैं, हर जगह जाते हैं और झूठ बोल के आते हैं। अभी आप ही ने कहा, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूं, तो बघेल ने बोला झूठ, मेरे को तो उनका झूठ बातें सुन सुन के बेजार हो गया, क्योंकि मैं उनकी बातें 9 साल से सुन रहा हूं, तो आप 5 साल से सुन रहे हैं, तो आपको आधा मालूम है, मेरे को पूरा मालूम है। तो ये जो मोदी करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ ही नहीं, झूठों करदा रहे हो। कोई आदमी ठीक है भाई, पहले बोले हो कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देता हूं, 2 करोड़ नौकरियां मिले को तो हम समझेंगे, चलो एक बोले, दूसरा बोले 15-15 को घर में तुम्हारे जेब में डालूंगा बोले मिले, चलो ये भी एक झूठ है समझेंगे। और किसान का आमदनी 2 गुना करूंगा, हो गया आपका, जो भूख ने दिया वही है आपके पास, मोदी का क्या है बोलिए। तो मोदी झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं झूठों के सरदार। एक बार बोले तो ठीक है, चलो भाई गलती में बोले इसके लिए वो, लेकिन झूठ पे झूठ हर बात और हर जगह जाते हैं। अरे म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं छोड़ रहे, तुमको कहां छोड़ेंगे, एमएलए इलेक्शन वहां चले, कर्नाटक में भी आए, हर जगह घूमे, छत्तीसगढ़ हर जगह कोना छप्पा मार रहे, राजस्थान में जा रहे, मध्य प्रदेश में जा रहे, तेलंगाना में जा रहे, तो हर दिल्ली से लेकर गली तक घूम रहे, दिल्ली से लेकर गली तक घूम रहे, लेकिन लोग वोट देने तैयार नहीं है, लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं, कांग्रेस आने दो, ये खुद लोग कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी, मैं और एक पूछता हूं, आपके नाम से इतने वोट आते हैं पार्लियामेंट में, मैं सब वोट लूं, आप कहते हैं, फिर आपको
हर राज्य में घूमने की क्या आवश्यकता है। हर राज्य में आप घूम रहे हो लेकिन जहां जा रहे हो वहां हार रहे हो। आप ही दे कर्नाटक के कोने कोने में छप्पे मारे छप्पे वो लेकिन वो हार के आए। हिमाचल में गए वो हार आए। अब ये पांच स्टेट का इलेक्शन है यहां पर भी वो हार पाएंगे वो हार जाएंगे ये एक आप लिख लीजिए। फिर भी हर जगह जाते हैं। आज अपोजिशन पार्टी के गवर्नमेंट उनसे भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा अपोजिशन पार्टी की सरकारें हर स्टेट में है। अगर आपके पास इतनी जादू की छड़ी थी या है तो आप वेस्ट बंगाल कैसा हारे छत्तीसगढ़ कैसा हारे राजस्थान कैसा हारे और हमारे तमिलनाडु कैसा हारे। आप देखिए कितने हैं 12 15 16 स्टेट हैं। फिर भी वो बात कहते हैं कि लोग जो चाहते हैं इसीलिए मैं ये करता हूं। अगर लोग चाहते तो इतने राज्यों में तुम नहीं खोते थे। बीजेपी सरकार वहां भी आती थी लेकिन नहीं क्योंकि आप हमेशा एक लोगों की योजनाओं को फेल करना इनका आदत है। इसलिए उन्होंने हमेशा बोलते हैं आपकी ग्यारह अलग है कांग्रेस की गारंटी अलग है लेकिन उनकी गारंटी क्या है। 35 साल उनके रिकॉर्ड बेरोजगारी का है। ये जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार ना ये उनकी गारंटी है। ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बढ़ाना ये उनकी गारंटी है। हमारी गारंटी क्या है लोगों को सस्ता देना लोगों को पढ़ाना लोगों को एमएसपी बढ़ाना यह हमारी गारंटी है लेकिन उनकी गारंटी लोगों को सताने और जो काम एक छत्तीसगढ़ में हुआ है वो गुजरात में नहीं हुआ। गुजरात मॉडल अगर आप स्वीकार करेंगे तो आप मरेंगे। छत्तीसगढ़ की मॉडल अगर आप स्वीकार करेंगे आप देंगे तो ये आपका काम है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं सोचिए सोचकर कदम उठाओ और घर घर जाके अपील करो। ये तो सरकार में है बहुत काम सरकार का उन्होंने किया है। मैं पहले से ही बोल रहा हूं उनको और आप लोगों को भी बधाई देता हूं क्योंकि जब तक आप उनके पीछे मजबूत हैं उनके साथ हैं तो कोई कांग्रेस सरकार को बिगाड़ नहीं सकता कोई भी इसको खराब नहीं कर सकता। भाइयों और एक मुद्दा हर जगह वो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाया और कांग्रेस वाले उसको विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस वाले विरोध कर अरे अमेंडमेंट 52 53 54 किसने लाया। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों में तालुका पंचायतों में जो आपको रिजर्वेशन मिला है जो महिलाएं माताएं आज
कुर्सी बैठे हैं अध्यक्ष होकर उपाध्यक्ष, वो किनके वजह से है, ये कौन है? ये तो कांग्रेस ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, बाद में वो नरसिंह राव जी ने उसको कानून के मुताबिक आगे लाया, लेकिन इसका भी क्रेडिट वही लेते हैं। अरे आप तो महिलाओं के बारे में कभी भी उनकी हमेशा उन्हें ये है, उनका जो आइडियोलॉजी है वो महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को कभी भी आगे आने नहीं दिया। ये जनसंघ का हो, अब भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के विरोध में है। जब कांग्रेस कर रही है तब वो आगे आते हैं। यही लोगों राजीव गांधी जी के जमाने में और देवेगौड़ा जो हमारे पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त हमने जो पास करवाया था उसको भी अगर किसी ने विरोध किया तो ये बीजेपी ने विरोध किया, इसीलिए हमारा बिल उस वक्त गया। और हम कोई ये क्या है, ये कहावत है हिंदी में, मेरे को ठीक नहीं आ रहा, चोर उल्टा ऐसा, अच्छा ठीक है, चोर उल्टा कोतवाल को डाके, ऐसा काम तो हो रहे गलत। और हमको बोल रहे हैं कि कांग्रेस आड़ी आ रही है, गरीबों के लिए हम कुछ देना चाहते, मां बहनों को देना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट को देना, वही शेड्यूल कास्ट को तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तुम क्या देते हो? शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन है, तुम क्या देते हो? उनको भड़काने का आदिवासियों को मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट को मिला है, और ये लोग वो छीनना चाहते। अरे छीना हम नहीं चाहते, तुम तो छीनना चाहते थे, हमने उसको रोक दिया और आगे हमारी गवर्नमेंट आई, ये पहला हम काम करेंगे। तुम्हारा क्या है, तुम 2034 का बता रहे हैं। आज अगर उनमें महिलाओं के लिए प्रेम है, लोगों के लिए प्रेम है, पिछड़े हुए वर्गों के लिए प्रेम है, तो अब जो संख्या अस्तित्व में है 543, आप उसी में करो। जब बढ़ गया संख्या तो उस वक्त फिर सीट भी बढ़ गया, लिमिटेशन होगा, अगर ज्यादा आ गए फिर उसको बढ़ाएंगे। नहीं, वो नहीं चाहते, वो बोल रहे हैं अब कि सेंसस होना, उस बाद में डिलिमिटेशन होना, और ये सब होने के बाद ये 2034 में आएगा। यानी उनकी नीयत अच्छी नहीं है, और नीयत अच्छी नहीं रहने के वजह से अब गांव गांव फिर के यार कर रहे कि